पंचशील में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हुआ शिलान्यास, 5 करोड़ की लागत से बनेगा स्वास्थ्य केंद्र। स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण श्राफ ने किया शुभारंभ। वैशाली नगर पंचशील क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनने का काम शुरू हो गया। स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण श्राफ ने इस कार्य की नींव रखी। इसके लिए आयोजित समारोह में मंत्री श्राफ के अलावा शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी, मेयर धर्मेंद्र गहलोत सहित भाजपा के अन्य नेताओं ने संबोधित किया। सामुदायिक भवन 5 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इसका लाभ क्षेत्र के लगभग 1 लाख लोगों को मिलेगा। साथ ही जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पर भी मरीजों का भार कम होगा। देखिए, आज मैं सबसे पहले तो पंचशील के इस क्षेत्र के नागरिकों को बधाई देना चाहूँगा कि यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास हुआ है और 11 महीने में ये सामुदायिक केंद्र बनकर के तैयार हो जाएगा और लगभग 1,20,000 की आसपास की जनता को इसका फ़ायदा मिलेगा। मैं हमारे यहाँ के क्षेत्रीय जो हमारे विधायक हैं और जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं उनको बहुत बहुत बधाई देऊँगा कि उनके प्रयासों से और यहाँ ये स्वास्थ्य केंद्र का आज शिलान्यास हुआ है। भाई साहब, स्वास्थ्य के चिकित्सा व्यवस्थाओं की बात करें तो प्रदेश के अंदर जो 108 सेवा है एम्बुलेंस, वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है, जर्जर हो चुकी है। अजमेर की हम बात करें तो अजमेर में कल ही एक ब्रेकफेल होते होते ना सिर्फ मरीज बचा बल्कि उसके रिश्तेदार। जहाँ इतनी बड़ी सेवा चलती है वहाँ एक आधी जगह कहीं ना कहीं कोई शिकायत स्वाभाविक रूप से होती है, पर ये कहना कि 108 की स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल चरमरा गई है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। जहाँ 100% काम होता है तो वहाँ 5% कमियाँ भी रहती है। क्या इनको इसी प्रकार बिल्कुल निश्चित रूप से अभी क्या है कि हमारे जैसे 100 जो व्हीकल्स थे 108 के वो नकारा हो गए, तो इसके लिए हमें 108 व्हीकल्स और मिल गए। फिर पहले की 34 की आ गई और बाकी और आ रही है, तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास है कि हर जहाँ भी एक्सीडेंट होता है, कहीं पर भी कोई बीमार होता है तो वहाँ 30-35 मिनट में और 108 पहुँचे, ये हमारा प्रयास रहता है। इतने बड़े काम में कहीं न कहीं कोई ना कोई कमी रहती है, तो जैसे ही हमको शिकायत मिलती है तो इसको हम निश्चित रूप से सुधारेंगे। और अजमेर का जहाँ तक सवाल है, यहाँ भी 4 108 की जो एम्बुलेंस दो सही है। देखिए, स्वाइन फ्लू का जहाँ तक सवाल है, उसका वायरस अभी चेंज हो गया है, वायरस बदल गया है, जैसे डॉक्टर्स ने बताया वायरस चेंज हो गया है। और ये बात सही है कि इस बार यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉजिटिव हमारे स्वाइन फ्लू के मरीज मिल रहे हैं, परंतु इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि स्वाइन फ्लू का जब इलाज कराने के लिए कोई व्यक्ति जाता है तो वो लास्ट स्टेज पर जाता है और लास्ट स्टेज पे ये बीमारी लाइलाज है। जैसा मैंने कहा कि जब स्वाइन फ्लू के लक्षण हो तो जनता घबराए नहीं, और नज़दीक के हॉस्पिटल में सरकार ने ये व्यवस्था कर रखी है कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने आइसोलेशन वार्ड बना रखा है, हर जगह जांच के ब्लड सैंपल लिए जाने की सुविधा है, और पूरे प्रदेश के 7 मेडिकल कॉलेज में हमने इसके लिए लैब की निःशुल्क व्यवस्था कर रखी है। और जहां पहले 22-23 घंटे में जाँच होती थी, 7 घंटे में इसकी जाँच उपलब्ध है। और यदि इनिशियल स्टेज पर स्वाइन फ्लू के लिए मरीज आएगा तो उसका इलाज संभव।